दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि दोस्तों आज हम एक पैंट की कटिंग जानेंगे। कुछ दोस्तों ने कमेंट किया है कि हमको सर पैंट की कटिंग बताइए, तो आज हम एक उनकी मांग पर एक पैंट की कटिंग दिखा रहे हैं आपको हम। तो दोस्तों सबसे पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो वीडियो के नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का, वही टच करके सब्सक्राइब कर लें। इससे हम क्या होगा कि हमारी आने वाली वीडियो की आपकी जानकारी सबसे पहले मिल जाएगी, तो सब्सक्राइब इसलिए ज़रूर करें। दोस्तों जैसा कि चलिए हम आप जो आपको एक पैंट की कटिंग बताएंगे, फिटिंग पैंट है ये, तो इसकी मेजरमेंट एक नज़र हम देख लेते हैं। तो इसकी लंबाई जो है 41 यानी 41 इंच है, और इसकी जो हिप है सीट यानी जिसको हम बोलते हैं वो 36 इंच है, और कमर इसकी 32 इंच है, और थाई यानी जिसको जांघ बोलते हैं उसको थाई कहा जाता है वो जो 24 इंच है, और घुटना जो बीच में होता है आधा भाग उसको हम घुटना बोलते हैं, उसका वो 20 इंच है, और बॉटम हमारी है 18 इंच। तो इसी नाप से हम कटिंग करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जैसा कि हम और इस तरह एक लाइन खींचेंगे, इस तरह से आप दिखा रहे हैं, इस तरह से राउंड वाले स्केल से। तो जैसा कि इसमें बीच में आधे इंच का गैप होना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि ये सिलाई के लिए एक्स्ट्रा जाता है, इसलिए इसको आधा इंच गैप। अब हम इसको लंबाई निकालेंगे, तो जैसा कि इसमें बेल्ट हम 1.25 इंच का भी लगाते हैं और 1.5 इंच का भी लगता है, जितना आप चाहें उतना लगा सकते हैं, 1.25 इंच या 1.5 इंच। तो 1.5 इंच का हम बेल्ट लगाएंगे तो 1.5 इंच इस नीचे वाली लाइन से 1.5 इंच ऊपर, इसको मेजर टेप को हम ऊपर रखेंगे, क्योंकि वो 1.5 इंच हमारा एडजस्ट होगा लंबाई में, जो बेल्ट हमारा होता है वो लंबाई में एडजस्ट हो जाएगा। तो इसकी लंबाई 41 इंच यानी 41 है, तो हम यहाँ से 41 पर निशान लगाएंगे यहाँ तक, और हम नीचे 2 इंच के लिए फोल्डिंग करके लिए कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ देंगे इधर इस साइड में, नीचे साइड में। अब इसको हमको इसका हमको इसका जो आसन होता है जिसको हम थाई बोलते हैं, हाई बोलते हैं, उसका निशान लगाएंगे। तो जैसा कि हमारा कमर 32 इंच है तो उसका हम चौथा भाग लेंगे, 8 चौक 32 हो जाएगा, तो उसमें प्लस हम 1 इंच जोड़ देंगे, प्लस करेंगे 1 इंच, तो 8.5 इंच रहता है, 8 चौक 32 इंच है, तो उसमें 1 इंच हम जोड़ेंगे, 9 इंच हो जाएगा। तो हम इस पर 9 इंच पर निशान लगा देंगे इस तरह से, यहाँ से। अब यहाँ से हम जो हमारे नीचे वाली लाइन है लंबाई की, वहाँ से हम इसको आधा भाग करेंगे, यानी 30 इंच आ रहा है, तो 30 का हम 15 करेंगे, हाफ करेंगे 15 आ जाएगा, तो उसमें हम प्लस 1 इंच और ऊपर की साइड करेंगे, तो 14 इंच पर हम इधर निशान लगा लेंगे। हम बहुत सिंपल कटिंग आपको बता रहे हैं, ज़्यादा लाइनिंग खींच के नहीं बताएंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कटिंग करने में। तो इस तरह से हमारा है, तो हमको सीधी स्केल की तरह स्केल की लेकर सीधी स्केल से इस तरह से लाइन खींच लेना चाहिए इस तरह से, और फिर इस तरह से, और यहाँ हम दो लाइन यहाँ खींच देंगे नीचे मुहड़ी के लिए, जो बॉटम बारह मुड़ता है। तो हमारा कमर 32 इंची है इस तरह से, ये फिटिंग पैंट है, तो हम यहाँ से एक निशान लगाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से हम पहले कमर का निशान लेंगे, कमर का 8 चौक 32, तो इसमें हम प्लस 0.5 इंच और एक्स्ट्रा जोड़ेंगे सिलाई के लिए, 8.5 हो जाएगा इधर, और 0.5 इंच इधर भी सिलाई के लिए हो जाएगा, तो हमारा 9.5 इंच हो जाएगा, 0.5 इंच इधर, 8.5, 9, तो 9 इंच हम इधर निशान लगा देंगे, ये 9 इंच का हो गया। और हम इधर अब इस साइड में अब हम सीट का मेजरमेंट निकालेंगे, सीट जिसको हम हीप बोलते हैं, तो हीप हमारा 36 इंच है, तो 36 का भाग चौथा भाग 9 इंची होता है, तो 9 हम इधर निशान लगाएंगे, इसमें प्लस हम लूजिंग के लिए 1 इंच छोड़ेंगे, ये फिटिंग पैंट है, अगर इसमें प्लेट वाला पैंट रहेगा तो इसमें हम 2 इंच लूजिंग बढ़ाएंगे, इसमें 1 इंच और एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, इसलिए फिटिंग पैंट है इसलिए 1 इंच बढ़ाएंगे। और यहाँ से हम फिर 1.25 इंच फ्लाई के लिए करेंगे, फ्लाई 1.25 इंच और इसमें हम जोड़ेंगे, मतलब ये टोटल हो जाएगा 2.5 इंच, 1 इंच और 1.25 इंच हो जाएगा यहाँ से।
तो अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, ये 12.5 आ रहा है यहाँ तक, यहाँ से तो इस पर हम आधे के निशान लगाएंगे, 6 इंच के निशान लगाएंगे ऐसा, इस तरह से। अब इस तरह 6.5 इंच आ रहा है इधर, ये लास्ट वाला किनारी भाग में, तो इधर भी 6.5 इंच हम निशान लगा देंगे, इस साइड में भी और इस साइड में भी 6.5 इंच निशान लगाएंगे हम। अब हमारी मोहरी 18 इंच है, तो मोहरी 18 इंच का आधा भाग हमको लेना है 9.5 इंच पे, नीचे 9.5 इंच निशान लगा देने का 9 इंच पे। और यहाँ हमारी जो है घुटना है, घुटना हमारा वो 20 इंच है, तो हम 20 इंच पे इधर 5 इंच पे इस साइड निशान लगाएंगे और यहाँ तक 10 इंच लगा लेंगे हम। अभी हमारा मार्जिन हो गया है, तो मार्जिन पहले कर लेने के बाद में तब स्केल उठाना, स्काल ये सीधा वाला स्केल लेने का, फिर यहाँ पहले जैसा हमने यहाँ लाइन लगाया यहाँ तक लाइन खींच देने का, इस तरह से लाइन ही खींच दिया। अब नीचे तक, नीचे वाले जो बॉटम का लाइन है और घुटने का लाइन है, यहाँ से यहाँ तक हम खींच लेंगे इस तरह से और इस तरह से। अभी हमारा सीधा स्केल वाला लाइन हो गया, अब हम राउंड वाला स्केल उठाएंगे। तो अब हमको इसको देखना है कि ये जो लाइन है नीचे वाला, ये जो लाइन देख रहा है ये, तो इसको हम ऐसा करेंगे, चाहे इसका ऐसा देखेंगे, ताकि हमारा लाइन यहाँ कहाँ तक मिल रहा है ये, इस तरह से लाइन मिल गया हमारा। अभी हम इसको, अब हम इस तरह से इसको इसका राउंड ऐसा कर देंगे। ये हमारा पैंट का मार्जिन हो गया, अब इसको हम कटिंग करके दिखाएंगे आपको। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों, लेकिन वीडियो पूरा देखें तभी आपको समझ में आ जाएगा कि पैंट की कटिंग किस तरह से होती है। इस साइड हो गया कटिंग हमारा, अब इस साइड से हम करेंगे। अब जैसा दोस्तों हमारा फ्रंट कटिंग हो गया है, अब हम बैक की कटिंग करेंगे, आपको दिखाएंगे बैक किस तरह से कटिंग होता है। जैसा कि हमने इस पर, इस कटिंग को हमने इस पर बिछा लिया है, आप देख सकते हैं इस कपड़े के ऊपर इस तरह से। अब हमको इसके लिए उठाना है और हमको यहाँ पर 1.5 इंच की लूजिंग लगाना है, 1.5 इंच इधर निशान हम लगा देंगे। और यहाँ से हमारी जैसे कमर 32 इंच है, तो हम यहाँ से 32 लेंगे 8.5, और प्लस इसमें हम 1 इंच और एक्स्ट्रा देंगे। और यहाँ हम इस तरह से लाइन खींच देंगे, इस तरह से जहाँ तक हमारी सीधा लाइन है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और बैग जो होता है वो बड़ा होता है फ्रंट से, इसलिए इसको बड़ा रखना चाहिए। यहाँ हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, फिटिंग है अगर लूजिंग होता तो हम यहाँ 3 इंच कर देते। यहाँ हमने 2.5 इंच लगाया और यहाँ हम 1.25 इंच लगाएंगे और नीचे 1.5 इंच इस तरह से। तो अब हमको इस स्केल की सहायता से इस लाइन की खींच लेना है इस तरह से, और फिर इस राउंड स्केल से इस तरह से। अब यहाँ हमारा सीट जैसा 36 इंच है, तो हम यहाँ 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे, फिर यहाँ हम इसको 1 इंच लूजिंग देंगे इस तरह से, और इस तरह से हम लाइन खींच देंगे इस तरह से। पैंट काटना बहुत आसान है दोस्तों, देख सकते हैं ये हमारा बैक का निशान हो गया। अब इस तरह से हम इसको कटिंग कर देंगे। Thank you.
फिर साइड से भी कटिंग कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारी कटिंग पूरी कंप्लीट हो गया है। इस तरह से कटिंग हो जाएगा पूरा, आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ एक बैक पॉकेट का जो निशान होता है बैक पॉकेट में, यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ 3 इंच, यहाँ से 3 इंच पे लाइन खींचने का सीधा, और फिर यहाँ से 2.25 इंच, फिर यहाँ से 5 इंच पे निशान लगा देने का, और इसके बीचों बीच एक लाइन खींच लेंगे हम डॉट के लिए, जो बैक साइड में डॉट लगता है वो हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों पॉइंट कटिंग कर सकते हैं आप। तो अगर कोई कमेंट हो तो हमको ज़रूर बताएं, कोई दिक्कत हो तो भी हमको बताएं, इसके लिए हम आपको जानकारी और देंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताएँ। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, नमस्कार।